कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. अब देखो ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. अगर हम तीन मैट्रिक्स हमने लिए ए इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर, बी इक्वल्स टू देखो बी क्या आएगा टू फोर वन टू और सी इक्वल्स टू वन टू थ्री वन टू सपोज. ओके अब यहां पे देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ऐसा लिए फिर उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी. ओके अब दोनों ए प्लस बी एक ब्रैकेट में वन टू थ्री फोर प्लस बी क्या है यहां पे टू फोर वन टू टू फोर वन टू. ओके प्लस सी मैट्रिक्स क्या है वन टू वन टू. पहले हम इतना सॉल्व करेंगे. कभी भी हम क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले. अब यहां पे देखो वन प्लस टू थ्री टू प्लस फोर सिक्स थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स. ओके प्लस वन टू एज इट इज. अब देखो थ्री प्लस वन फोर सिक्स प्लस टू एट फोर प्लस वन फाइव एंड सिक्स प्लस टू एट. ये हो गए ए प्लस बी प्लस सी. अब हम यहां पे देखेंगे ए बाहर और बी और सी मैट्रिक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी. अब देखो ए मैट्रिक्स क्या है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस बी मैट्रिक्स क्या है टू फोर वन टू टू फोर वन टू प्लस सी मैट्रिक्स वन टू वन टू वन टू वन टू. फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट. टू प्लस वन थ्री फोर प्लस टू सिक्स वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर वन प्लस थ्री फोर टू प्लस सिक्स एट थ्री प्लस टू फाइव फोर प्लस फोर एट. देखो इसका आंसर क्या है ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी फोर एट फाइव एट. इसका भी आंसर क्या है फोर एट फाइव एट. दोनों मैट्रिक्स की एडिशन कैसी है सेम. ये तीनों मैट्रिक्स की कैसी है सेम. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब थर्ड देखो ए प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए. आपको पता है कौन से भी नंबर में अगर हमने जीरो ऐड कर किया तो आंसर क्या आता है कोई नंबर आएगा. तो वैसे ही अगर कौन सा भी मैट्रिक्स उसमें अगर हमने जीरो ऐड किया तो आंसर क्या आएगा एज इट इज वन टू थ्री फोर. दिस इज मैट्रिक्स ए. अगर हमने इस पे जीरो ऐड किया जीरो मैट्रिक्स. ओके द आंसर इज एज इट इज. सबको समझ में आ गया. अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. इफ
matrices of same order and K is a scalar. Then K in bracket A plus B equals to KA plus KB. अगर AB दो टू मैट्रिक्स रहे और इसके ऑर्डर अगर सेम है तो K अगर स्केलर है इसका मतलब K A plus B. अगर दो मैट्रिक्स की यहाँ पे एडिशन रही तो इसका आंसर क्या आएगा KA plus KB. देखो K means suppose 5, 1, 2, 3, 2 plus 1, 2, 1, 3. हम क्या करेंगे 5 into this matrix plus 5 into this matrix. ओके इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के एम आर द स्केलर्स देन के प्लस एम इन ब्रैकेट के प्लस एम इंटू ए इक्वल्स टू के ए प्लस एम ए. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स इफ आई थ्रो एंड जे थ्रो ऑफ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड देन इट इज डिनोटेड बाय आर आई जे और आर वन इंटरचेंज आर टू. ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं इंटरचेंज. इंटरचेंज यानी क्या सपोज आर वन इंटरचेंज आर टू. आपको पता है आर वन क्या है आर टू क्या है. R1 इंटरचेंज R2 मींस व्हाट R1 के प्लेस पे क्या लाने का है R2 और R2 के प्लेस पे क्या R1. इसे हम क्या कहेंगे इंटरचेंज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब देखो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स. रोज चेंज करो या फिर कॉलम चेंज करो. इफ आई थ्रो एंड जे थ्रो ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन इट इज डिनोटेड बाय Rij और R1 interchange R2. If I throw ith and jth column of a matrix are interchanged, then it is denoted by Cij. अगर हम row change करेंगे, वो Rij से denote करेंगे, या फिर Ri interchange R2, Ri interchange Rj. और अगर हम column interchange करेंगे, तो हम किसे denote करेंगे? Cij. Means Ci interchange C2, Ci interchange Cj और C1 interchange C2. ओके अब देखो फॉर एग्जाम्पल A equals to 1, 2, 3, 4 देन R1 interchange R2. अब यहां पे क्या करने का है R1 interchange R2. Matrix A equals to 1, 2, 3, 4 This is R1, this is R2. R1 interchange R2. ये R1 है ये R2 है. R1 की जगह पे R2 ले जाओ और R1 R2 के प्लेस पे R1. Okay? This is first row and this is second row. ये हो गया row transformation. R1 interchange R2. अब देखो आपको 3/3 का रो ट्रांसफॉर्मेशन आगे है. ये सिर्फ हो गए इंटरचेंज. अब देखो सपोज मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 सी वन सी टू. अब हम इसमें क्या लिखेंगे सी वन इंटरचेंज सी टू. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो ये हो गया कॉलम फर्स्ट ये हो गया कॉलम सेकेंड. जो कॉलम फर्स्ट है उसकी जगह पे क्या लाने का है कॉलम सेकेंड यानी 2, 4, 1, 3 ये हो गया सी वन इंटरचेंज सी टू. ओके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम. सब कुछ समझ में आ गया. मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर. फॉर एग्जाम्पल A equals to 0, 2, 3, 4. R2 change. 4 R2. कौन से रो में चेंज करने का सेकेंड रो में. A equivalent to और equals to इसे हम equivalent कहेंगे 0, 2. Write first row as it is. Then
मल्टीप्लाई आर टू मीन्स सेकेंड रो बाय फोर, सेकेंड रो को फोर से मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, फोर इंटू फोर सिक्सटीन. अब देखो एग्जाम्पल, इफ एट वॉज टू वन जीरो टू टू थ्री एंड फोर, अप्लाई द ट्रांसफॉर्म सी वन चेंज सी वन प्लस टू सी थ्री. अब यहाँ पे हमें चेंजेस किस में करने का है, कॉलम में सी वन में. क्या चेंजेस है, सी वन प्लस टू सी थ्री. अब देखो एट वॉज टू वन जीरो टू टू थ्री फोर, सी वन प्लस टू सी थ्री. देखो फर्स्ट कॉलम सी वन सी टू सी थ्री, राइट बोथ कॉलम्स एज इट इज सी टू एंड सी थ्री. चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम सी वन, वन प्लस टू इंटू सी थ्री, टू इंटू सी थ्री मीन्स वॉट टू, देन राइट टू प्लस टू इंटू सी थ्री, यहाँ पे सी थ्री क्या है फोर. राइट सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज. वन प्लस टू इंटू टू फोर, टू प्लस टू इंटू फोर एट, जीरो थ्री टू फोर. देखो वन प्लस फोर फाइव, टू प्लस एट टेन, जीरो थ्री टू एंड फोर. क्या हो गया स्टार्ट. एग्जाम्पल टू, इफ एट वॉज टू फाइव टू वन थ्री, दिस इज मैट्रिक्स ए, देन आर वन चेंज आर वन प्लस टू आर टू. अब यहाँ पे कौन से रो में चेंज करने का, जो रो यहाँ पे देते हैं उस रो में चेंज करने का, आर वन में. क्या आर वन प्लस टू आर टू, देखो एट वॉज टू फाइव टू वन थ्री, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स. फर्स्ट रो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो. अब यहाँ पे चेंजेस कौन से रो में करने का है, फर्स्ट रो में. इसके पहले हमने कॉलम में किया था फाइव आर वन मीन्स फाइव प्लस टू इंटू आर टू टू इंटू वन, देखो टू प्लस टू इंटू आर टू टू इंटू थ्री, राइट वन एंड थ्री एज इट इज. चेंजेस फर्स्ट रो में आर वन प्लस टू इंटू आर टू, आर वन प्लस टू इंटू आर टू क्या है यहाँ पे वन, और आर वन टू प्लस टू इंटू यहाँ पे आर टू क्या है थ्री, एंड राइट सेकेंड रो एज इट इज फाइव प्लस टू इंटू वन टू, टू प्लस टू इंटू थ्री सिक्स, वन थ्री. देखो फाइव प्लस टू सेवन, टू प्लस सिक्स एट, वन थ्री. हो गए आर वन प्लस टू आर टू.